नाक और गले में बलगम जमने के कई कारण हो सकते हैं। इनमें सर्दी, जुकाम, फ्लू, वायरल इन्फेक्शन, साइनस और बहुत ज़्यादा सिगरेट पीना शामिल है। ऐसा होने पर कई तरह की दिक्कतें होने लगती है। लगातार नाक बहना, छाती, सीने और गले में कुछ जमा हुआ महसूस होना, सांस लेने में तकलीफ होना, गले में खराश, खिचखिच रहना, छाती जाम होना, ये सब कफ के आम लक्षण होते हैं। बलगम या कफ शुरू में तो खतरनाक नहीं होते, लेकिन अगर ये लंबे वक्त तक जमा रहें तो इससे सांस से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती है। ऐसे में कफ दूर करने के लिए आप डॉक्टर की सलाह से दवाइयां ले सकते हैं, साथ ही कुछ आसान आयुर्वेदिक नुस्खे अपनाकर भी राहत पा सकते हैं। आज की वीडियो में हम नाक और गले में जमे बलगम को निकालने के कुछ घरेलू उपचार बताएंगे, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे साथ बने रहें। हम सबसे पहले बात करते हैं गुड़ और अदरक की। अगर आपको अक्सर कफ या खांसी की समस्या रहती है तो अदरक और गुड़ का सेवन करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इससे सर्दी, खांसी और गले के कफ में आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इसके लिए आप अदरक को गैस पर गर्म कर लें और घिस लें। अब गुड़ को थोड़ा मुलायम करके अदरक में मिला लें। इसे गुनगुने पानी के साथ खाने से आपके गले को काफ़ी आराम मिलेगा। अब हम बात करते हैं शहद और काली मिर्च की। काली मिर्च में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जिससे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। इसके अलावा खांसी और बलगम की शिकायत होने पर भी काली मिर्च का इस्तेमाल करना चाहिए। आप काली मिर्च को पीस लें। अब इसमें एक चम्मच शहद डालकर इसे थोड़ा सा गर्म कर लें। इसे आप सुबह शाम खा सकते हैं। इसका सेवन करने से आपको राहत मिल सकती है। अब हम बात करते हैं शहद और अदरक की। आयुर्वेद में शहद को गले की खराश और कफ दूर करने में काफ़ी कारगर माना गया है। अगर आप अदरक के साथ शहद का सेवन करते हैं तो इससे सर्दी, जुकाम और बलगम की समस्या भी ठीक हो सकती है। इसके लिए आप अदरक को घीस लें और इसमें 2 चम्मच शहद मिला लें। आप इस मिश्रण को दिन में 2-3 बार खाएं। इससे आपको आराम मिलेगा। अब हम बात करते हैं प्याज और नींबू की। प्याज का छिलका उतार लें और अब उसे पीस लें। एक नींबू का रस निकाल लें। इन दोनों को 1 कप पानी मिलाकर उबाल लें और 1 चम्मच शहद मिलाकर लें। इससे आपको कफ की समस्या में काफ़ी आराम मिलेगा। अब हम बात करते हैं नमक पानी के गरारों की। कफ और बलगम होने पर नमक और गुनगुने पानी से गरारे करने चाहिए। इससे गले का बलगम साफ होता है और कफ भी दूर होता है। आप सुबह शाम पानी में 2 चुटकी नमक डालकर गरारे कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तो ये थे गले और नाक के बलगम को निकालने के कुछ आसान से घरेलू उपाय, जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक साझा किए हैं। हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।